हो गया आज का योगा सेशन। और जब से हम लोग घूम के आए हैं भरतपुर से संडे रात को, उस दिन भी काफ़ी बारिश हुई यहाँ पहुँचने के बाद। नेक्स्ट डे मौसम काफ़ी खुला रहा, लेकिन फिर से कल जो है वो दिन भर बारिश होती रही। रात को भी काफ़ी बूंदाबांदी हुई है, सड़कें सारी गीली हो रखी हैं। तो खैर एनीवेज, अभी जब से मैं लौट के आया हूँ भरतपुर से, तब से थोड़ा सा मुझे ये, इवन जब मैं भरतपुर गया भी था तो भी थोड़ा सा गले में भारीपन, माथे में थोड़ा सा हैवीनेस, जिसको बोलते हैं कोल्ड, सर्दी लग जाना तो आपका माथा, आपकी नाक, आपका गला, ये सब जनरली ब्लॉक हो जाता है, बहुत रनिंग नोज हो जाती है, बात करने का मन नहीं करता, इधर का सर काफ़ी भारी रहता है। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे हम योगा के थ्रू इस तरीके की जो परेशानियाँ हैं, इस तरीके की जो बीमारी है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये दाढ़ी जो है, ये दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, मूंछें भी बहुत बढ़ गई हैं, कुछ भी खाता हूँ तो आधा तो मूंछों पर ही रह जाता है, आधा अंदर जाता है। तो पहले ये थोड़ा सा कटाई छटाई कर लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत बार सर्दी जुकाम हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा थकान, जब हम बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं उसके बाद भी कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें सर्दी जुकाम जैसा कुछ हो रहा है। तो अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप रेस्ट काफ़ी करें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स भर चुके हैं, इतने ज़्यादा इम्प्योरिटीज आ चुके हैं कि उन्हें बाहर निकालना है। उसके लिए हमारे शरीर को पूरी तरीके से रेस्ट की ज़रूरत है। हम अपने दिमागी तौर से भी शरीर को रेस्ट दें और अपने शारीरिक तरीके से, फिजिकल तरीके से भी हम अपने आप को पूरी तरीके से रेस्ट दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो गर्म पानी बहुत ज़रूरी है सर्दी जुकाम में। आप सुबह से शाम तक गर्म पानी का सेवन करें। जितना हम ल्यूक वार्म वाटर दिन भर पीते हैं, तो अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम होता है या आपको कभी भी महसूस हो कि आपको सर्दी जुकाम होने वाला है, तो आप गर्म पानी का सेवन करना शुरू कर दें। गर्म पानी वाकई में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो मेजरली अगर हम सर्दी जुकाम को जब से देखते हैं, तो सर्दी जुकाम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे शरीर का एक क्लीनिंग मेथड है। हमारा जब शरीर, हमारे शरीर के अंदर जब बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, बहुत सारे टॉक्सिन्स जब भर जाते हैं, जुकाम होता है जब हम अपनी नाक साफ करते हैं, कफ बाहर, बलगम बाहर थ्रो आउट करते हैं, तो ये सारा हमारे शरीर का एक ऑटोमेटिकली नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। तो इसको हम नेचुरल तरीके से ही क्लीन करेंगे। जो हमारा आयुर्वेद है वो भी ये कहता है कि आप सर्दी जुकाम के समय में स्टीम बाथ ली, तो हर किसी को स्टीम बाथ इतना पॉसिबल नहीं है, हर कोई स्पा जाके 2-3 हज़ार रुपये खर्चे करके स्टीम बाथ नहीं लेना चाहता है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप घर पे स्टीम ले सकते हैं। तो घर पे स्टीम लेने के लिए आप किसी भी बर्तन में पानी चढ़ा सकते हैं। ये विक्स का बेबी रब, जो कि विक्स नॉर्मल आता है, मार्केट में मिल जाता है, जो हम अपने यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे। ये विक्स है, इस विक्स को हम ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा लेते हुए, लगभग इतना सा हम इस बर्तन में जिसमें पानी गर्म कर रहे हैं उसी में मिक्स कर देंगे। एक बार ये पानी खौल जाए और ये जो विक्स इसमें हमने डाला है ये पूरी तरीके से इसमें पिघल जाए। तो अभी ये पानी जो है वो खौलना शुरू हो चुका है, तो अब हम लेंगे अपना स्टीम। तो हल्की सी आंच को धीमा कर दिया जाए और फिर हम इसको अपने पूरे चेहरे को इस तरीके से ढक के और इसके ऊपर स्टीम लेने के बाद अपने आप को थोड़ी देर अपनी तौलिया से मुंह को ढक लें, ताकि आप अच्छे से स्टीम हमने लिया है वो हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे जैसे हम लोग स्टीम लेना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ये हमारे बॉडी के अंदर इसका जो भाप है वो एब्जॉर्ब होता है और हमारे अंदर जो जमा हुआ कफ या जो भी इम्प्योरिटीज अभी हमने जो बात करी वो धीरे धीरे बहना शुरू करता है। अभी मेरी नाक से सफाई करने का टाइम आ गया है। तो जो स्टीम लेने की प्रक्रिया है इसको हम 5-7 मिनट, जब तक खूब अच्छे से हमें रिलीफ ना मिल जाए, जब तक हम इसको कर सकते हैं। तो जब आप स्टीम ले भी लें तो भी आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए इस तौलिए के अंदर ही रखें, ताकि आपका जो स्टीम है वो थोड़ी देर एब्जॉर्ब रहे आपके बॉडी में। तो अभी जो मैंने आपको कुछ नुस्खे बताए, जैसे कि गर्म पानी, स्टीम को कैसे लेना है और भरपूर आराम, इसके साथ ही मैं आपको 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज और 2 योगा आसन बताता हूँ, जिसको आप अगर अपने सर्दी जुकाम के दौरान भी करते हैं तो इन दोनों आसन से और इन 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके सर्दी जुकाम पर बहुत लाभ मिले। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप आराम से अपने पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, चाहे तो दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रख के बैठ जाएं या तो अलथी पलथी मार के आराम से बैठ जाएं।
दोनों हाथों को चिन मुद्रा में। सबसे पहले हम कपाल भाती से, कपाल भाती के लिए हम धीरे लंबा गहरा इनहेल और बट हम एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली फ्रॉम द हेल्प ऑफ आवर स्टमक। अपने स्टमक से प्रेशर डालते हुए अपनी नाक से हम सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम, जिसमें हम अपने सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुल इनहेल फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं। इसके लिए हम अपने हाथ को नासाग्र मुद्रा में लाते हैं, जिसमें हमारी लिटिल फिंगर फ्री रहती है, हमारी रिंग फिंगर हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर, हमारी मिडिल फिंगर, हमारी इंडेक्स फिंगर हमारे अर्जुन चक्र पर, इन द मिडिल ऑफ आवर आईब्रोज, इन द मिडिल ऑफ आवर फोरहेड, और हमारा थंब फ्री रहता है। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल फोर्सफुल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल। तो इस प्रकार हम अपने सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल से, जो कि हमारी सूर्य नाड़ी होती है और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करती है, तो ये भी हमारे सर्दी जुखाम को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसके बाद हम आ जाते हैं योगासन पे। तो हमारा सबसे पहला आसन होगा गौमुख आसन। तो गौमुख आसन के लिए हम अपने एक पैर को नीचे, तो अपने लेफ्ट लेग को हम शुरुआत करते हैं, लेफ्ट लेग को नीचे, राइट लेग को ऊपर से, दोनों घुटने हमारे एक दूसरे के ऊपर। इसमें हमेशा जो पैर ऊपर होता है वही हाथ ऊपर जाएगा हमारे सर के पीछे, और दूसरा हाथ पीछे से घूम के हमारे दूसरे हाथ से टच हो जाएगा हमारी एल्बो हमारे सर के पीछे। हमारी पीठ हल्का सा आगे की ओर कर्व रहेगा और सामने और ऊपर की ओर देखें। 10 से 20 सेकंड तक एक पोजीशन में बैठेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर, धीरे धीरे लंबा गहरा सांस बाहर। इसी प्रकार हम अपने दूसरे साइड से आ जाएंगे, जिसमें हम अपने राइट लेग को नीचे, लेफ्ट लेग को ऊपर से मोड़ के, और फिर हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर, क्योंकि हमारा लेफ्ट पैर ऊपर है, और राइट हैंड पीछे से मिल जाएगा हमारे लेफ्ट हैंड से, खींच कर रखें दोनों हाथों को। पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी, पीठ में हल्का सा कर्व आगे की ओर, सामने और ऊपर की ओर हमारी दृष्टि। होल्ड करेंगे 10 से 20 सेकेंड तक, एंड देन रिलैक्स। जैसे जैसे हम ये आसन करते हैं मैं भी महसूस कर रहा हूं, और अगर आप भी ये आसन करते हैं सर्दी जुखाम के दौरान भी, तो आप भी महसूस करेंगे कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो रही है, आपके दोनों नॉस्ट्रिल से जो एयर का इनहेल और एक्सहेल है वो बैलेंस हो रहा है। हमारा दूसरा जो आसन है आज के लिए सर्दी जुखाम के लिए वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए हम अपने मैट पर, अपने कारपेट पे आराम से लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे 90 डिग्री पर, हाथों को पुश करते हुए अपनी कमर को पीठ को ऊपर की ओर उठाएं, और फिर अपने हाथों को पीठ पे लगाते हुए अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेट करेंगे ऊपर की तरफ। ये हमारे चेस्ट पे हमारे गले पे बहुत असर डालता है। होल्ड रखेंगे अपने आप को 10 से 20 सेकेंड तक, 3 से 5 राउंड कर सकते हैं आराम से, और फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए वापस आराम से मैट पर लेट जाएं। तो क्योंकि सर्दी जुखाम एक ऐसी बीमारी होती है जो कि बहुत सीरियस तो नहीं होती है, पर ये सर्दी जुखाम के दौरान में ये आपको ऐसा कर देती है कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मन करता है कि बस लेटे रहें। अगर इधर का सर दर्द कर रहा है तो इस तरफ करवट लेके लेटें, अगर इधर का सर दर्द कर रहा है तो इधर की करवट लेके लेटें। लेकिन इसके अलावा और कुछ करने की ना इच्छा होती है ना मन करता है, और हम हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं करने के लिए। जो दो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जो दो योगा आसन मैंने बताए, अगर आप ये करते हैं और इसके साथ में जो बाकी चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि गर्म पानी का पीना, स्टीम लेना, मैक्सिमम रेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप विटामिन सी का प्रॉपर इंटेक करते हैं तो बहुत जल्दी आपके जुखाम को डाइल्यूट करके और आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। जो लेमन हमें मिलता है हमारी मार्केट में, नींबू में, संतरों में हमें विटामिन सी काफ़ी मिलता है, तो अभी हम लोग सेवन करेंगे विटामिन सी का। तो इसके लिए आप आधा नींबू आप इसमें डाल दें, इसमें हम और डालेंगे शहद। तो ये शहद हम लोग जब कर्नाटक गए थे कुर्ग
वहाँ से लेके आए थे, क्योंकि प्योर शहद मिलना भी एक चैलेंज है आज के समय में। ये हमारे शरीर से कफ को निकालने का काम करता है। तो हमारा पानी लगभग खोल गया है, अब इस पानी को हम छानते हुए अच्छे से चलाना है, क्योंकि जो हमारा शहद है, हमारा जो नींबू है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फाइनली ये तैयार हो चुका है हमारा हनी लेमन जिंजर टी। नेचुरल दवाई है जो हमारे शरीर से कफ को, बलगम को, सर्दी जुखाम को और इवन कि हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखती है। और इसको गरम गरम ही पीना है, इसको ठंडा करके अगर पियेंगे तो ये हमें उतना लाभकारी नहीं होगा, इसे हमें गरम गरम ही पीना होगा। तो अब मैं ख़त्म करता हूँ अपनी जिंजर लेमन हनी टी, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने आस पड़ोस, अपने जानने वालों को जो भी सर्दी जुकाम से जूझ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।